बाद आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारा है 28 जून का बैच और ये हमारा फेयरवेल चल रहा है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं, यहाँ पर समोसा और क्या है ये कोल्ड ड्रिंक कैसा लग रहा है यहाँ पर समोसा? अच्छा ये बताओ, इतनी दूर से समोसा कोल्ड ड्रिंक खाने तो आए नहीं हो? नहीं सर। क्या करने आए थे? काम करने आए थे। बनने आए थे। बने कि नहीं बने ये बताओ, मतलब जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? बहुत ज्यादा मिला। देखो आप दिल से बोल रहे हो कि आप सिर्फ यहाँ पे समोसा खिला रहे हैं? मैं ऑलरेडी दो इंस्टीट्यूट से वापस आया हूँ। कहाँ से? बिहार से ही दो इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हो। वहाँ पर कैसा पढ़ाया गया और हमारे यहाँ कैसा पढ़ाया गया, अंतर मिला कि नहीं मिला आपको? ये आपको दो दिन में ही मिल गया होगा। तभी एक दिन की पढ़ाई, वहाँ दो हफ्ते की पढ़ाई। तभी आपने तीसरे दिन में ही फीस जमा कर दी आपने? ये तो ऐसा आप करते नहीं यहाँ पर, तो ये मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? पूरी सेटिस्फाइड है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खाओ समोसा, एंजॉय करो। मेरे साथ में देखो ये मलिक, ये हमारे हैं दिल्ली से। आप दिल्ली में इतना भरा दिल्ली साउथ आपका नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इतना कि हमारा तो जबलपुर चार आ जाए, फिर भी ये छोटे जबलपुर में क्यों आपको हमने लिया है, ये इसका रीज़न बताओ। रीज़न ये है, तो आप ये बताओ कि आप जब यहाँ आए थे, आपने इतना साल भी काम किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो, आप क्या सोच के आए थे कि क्या बनने आए हैं आप? क्या बने? पहले आता था ऐसी बात नहीं, छोटा मोटा काम कर लेते थे, बट थोड़ा जब सर ने कुछ बताया, कुछ फॉल्ट ऐसे से बताए हैं जो मेरे को पता ही नहीं था लाइफ में कि ये भी फॉल्ट होते हैं इसके अंदर। और ये फॉल्ट, कई फॉल्ट ऐसे आते हैं और जो हमें पता नहीं थे, और वो फॉल्ट कहाँ से बनाए जा सकते हैं ये तो सर ही बता सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको यहाँ पर दो दिन हम जब ने पढ़ाया तो तीसरे दिन आपने फीस क्यों जमा की यहाँ पर, रीज़न बताओ। बूस्ट कर दिया था हमारे को सर ने, और तभी हम इस तरह इस यहाँ लाइक में आ गए, तभी हमने फीस जमा कराई। तो हमें पता था कि यहाँ आए हैं तो कुछ ले के ही जाएंगे, और सर ने लिए दिया है यहाँ पर दिया है। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि सर्किट डायग्राम नहीं है तो क्या ट्रेस कर सकते हैं? बना लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बिना सर्किट डायग्राम के बना नहीं पाते हैं, बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ ट्रिक्स हैं सर ने, ट्रिक्स दिए हैं। हाँ। कि जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, बट आपको कर सकते हैं यहाँ पर, और इवन सॉफ्टवेयर में हम वीडियो भी बना के देते हैं। हाँ। तो ये क्यों देते हैं? बैकअप कैसा रहता है सपोर्ट? पीडीएफ का कैसा है? नहीं, लोग बोलते लिखाते नहीं है, उसका पीछे क्या कारण है? लिखाते इसलिए नहीं, पीडीएफ बना हुआ है, आप जल्दी से खोलो पीडीएफ। लोग बोलते नहीं है, बहुत से कमेंट करते हैं सर लिखाते नहीं है, बच्चों के दिमाग में कैसे रहेगा, बैकअप भूल जाएंगे आज किया, पर उनको नहीं पता कि यहाँ पर बैकअप दिया जाता है एक अदर सोर्सेज से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तेरा ले लिया? ये हमारे आए मुंबई से मैं हूँ अभी, और मैं बता जूहू में रहता है ये, कभी इनसे मिलना है। मैं बोल रहा सर, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं जो जूहू में रह रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि सर हमें फीडबैक दे दो कोई स्टूडेंट से, तो जूहू चले जाओ। जूहू में मेन लोकेशन में आपका शॉप भी है, घर भी है? हाँ, शॉप भी है, घर भी है। जूहू में किधर बता दो? जूहू कोलीवाड़ा वेस्ट, जू चौपाटी के बाजू में ही है। और इनका ट्रेवल का भी बिजनेस है वहाँ पर, अगर आपको वहाँ पर अपने भाई के लिए, अपने घर, अपने लिए मर्सरीज चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मर्सरीज में बैठ के आप निकालो, तो वो भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको मोबाइल नहीं बन पा रहे हैं तो आ जा रहे हैं, और अगर आपको सीखना है तो भी आ जाना, तो भी सिखा देंगे। सिखा दोगे कि नहीं? यही मैं बोलना चाह रहा था, सिखा देंगे हम, बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है। तो ये मैं खुले दावे से कह रहा हूँ, जितने हमने यहाँ पे यूट्यूब पे देखा, हमको तो पहली बार तो इतने सारे वीडियो देखे कि अच्छा नहीं लगा, मतलब आउटपुट में मैं सोचा था कहाँ से ना कहाँ से लूँ, पर सर के इतने सारे वीडियो देखे, जैसे वो चिल्लाते इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, या बच्चे लोग दिल से बोलते, वो आवाज़ सुन के हम भी यहाँ चले। तो ये आज आपने ही चिल्लाया? यस सर। तो आपने दिल से तो चिल्लाया होगा ना? चिल्लाया सर। अगर मैं सच बताऊं, आप इतने एक महीने तक बैठे रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं करवाते हैं, हम आपको सिर्फ लिखवाते रहते हैं या जो भी आपको, तो आप क्या ये दिन आता है आपके लिए? आप अब तक तो आप निकल ही जाते ही नहीं थे, आप निकल ही जाते, इतने दिन तक रहते ही नहीं, दो या चार दिन में अपना आउटपुट क्योंकि आप चला जाते हैं। क्योंकि यार स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर नहीं है, ये 8-10 साल काम किया लड़के, इनका ऑलरेडी शॉप में इतना काम है अभी मार्केट में, ये छोड़ कर आए हैं। तो भी मैं अपने मतलब सीखने की उम्मीद से आया हूँ कि और कुछ अपडेट एक्सपीरियंस बढ़ाओ। इनके साथ मैं पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने इनसे पूछा था कि 10 साल पहले होते तो क्या होता, बहुत कुछ होते हैं, बापू बन जाते हैं। यही एक कारण है कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, हम लोगों को लगता है कि हम लोग को सब कुछ आता है। हाँ, मतलब ये सोच के मत रहो कि हमको सब कुछ आता है, जहाँ से नॉलेज मिल रहे हैं ना बटोर लो, सही बात और है, और कुछ नहीं, क्योंकि नॉलेज की कमी। अपना मोबाइल लाइन ऐसा है, मतलब मोबाइल के टेक्नीशियन ऐसे है कि नया नए फील्ड में नया नया मोबाइल का लाइन काम आ ही जाता है, जो अपना चेंज होते रहता है वही अपने को
अपडेट करना चाहिए अपने अपनों को, यहाँ से मैं अपने देवंत सर से अपडेट होते रहा हूँ। और अभी ईएमसी भी अटेंड करेंगे, मैं इसलिए ईएमसी में कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि इन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है और मुझे पूरा यकीन है और कि ये जब ईएमसी करके जाएंगे ना तो इनका ईएमसी का भी बहुत तगड़ा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा और देंगे इनको नॉलेज, और जो भी इनको बैकअप देते हैं और जितने भी सारे बैकअप हैं वो सारे इनको बैकअप देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? डीएन देशमुख, नेपाल से हैं। डीएन देशमुख, देशमुख आप मुझे ये बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, अभी पहले क्या काम करते थे, अभी क्या? मैं सर कंप्यूटर इंजीनियर सर, मैं डेल कंपनी में काम कर रहा था, अभी मैं नेपाल शिफ्ट हो गया, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। मतलब आप पहले एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और एज ए इंजीनियर ही हैं आप और कंप्यूटर की फील्ड में थे पहले और अभी आप नेपाल में शिफ्ट हो गए और आप मोबाइल टेक्नीशियन फील्ड में जाना चाहते हैं। सो आप फ्रेशर हैं, मतलब आप पहले, आपकी कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं सर, अभी जस्ट मैंने कंप्यूटर का शॉप ओपन किया है। उधर क्या क्या काम कर रहे हैं आप? सर आपका रिपेयरिंग वगैरह काम होता है सर, रिपेयरिंग कंप्यूटर का, हार्डवेयर का। तो उसके साथ आपने सोचा कि मैं मोबाइल का भी ओपन कर लूँ? बहुत ज़्यादा इंक्वायरी था सर, मतलब मोबाइल का कंप्यूटर से थोड़ा अच्छा कर लेते हैं कोर्स। फिर यूट्यूब में सर आपका एशिया टेलीकॉम का सर वीडियो वगैरह देखें, हमको अच्छा लगा सर। यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है सर, 4-5 महीना मतलब सर वेट करके एडमिशन लेना पड़ता है। मैं बोलता हूँ वो सारी चीज़ तो ठीक है, एडमिशन मुश्किल है, आप लोगों का फीडबैक है जो एडमिशन बहुत आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेशर आप यहाँ आए तो आपने हार्डवेयर में क्या पाया और सॉफ्टवेयर में क्या पाया, बताइए। आपका सर कॉन्फिडेंस नॉलेज, यहाँ ये कुछ चीज़ें सर, आपका कॉन्फिडेंस की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी पहला, और दूसरी बात है कि आपको ट्रेसिंग भी अच्छी आ जाएगी। ट्रेसिंग आ जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे आने के बाद फ्रेशर लोगों के लिए बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि वो शुरुआत कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल, उनको स्टार्टिंग लेवल पता चल जाएगा कि मोबाइल में क्या है। हमने तो मोबाइल की आईसी रिबॉलिंग करवाई है हमने आपको, मैंने आपको रिवॉल्विंग करने नहीं आता था, यहीं पर आके हम सीखे, यही ठीक है यहाँ पर। और अब मैं सच बताऊँ, अगर आप सीधे आईफोन सीखने चले जाते, चलिए मैं ये भी बात करता हूँ, ये बड़ा मसला है, अगर आप सीधे आईफोन सीखने चले जाते हैं, नहीं मैं तो आईफोन बनाऊंगा क्योंकि आईफोन मार्केट में आते हैं, तो आप क्या बताइए, क्या आप आईफोन पे डायरेक्ट सीख पाते बिना एंड्रॉइड और बिना कीपैड लिए हुए? मोबाइल का सर बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं है सर, हाँ शुरू से स्टार्ट में किया। तो क्या आईफोन सीख लेते आप? पॉसिबल, आपको पता है ना, आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं जो यहाँ पर जो बच्चे 1-1 लाख रुपए की फीस भर के आए हैं आईफोन की, और जो उनको ना आईफोन बनाते आ रहा है। आप मैं तो ये कहूँगा कि एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोग आइए यहाँ पे एडमिशन कराइए, और ऐसा नहीं है कि मुझे सर प्रेशर दे रहा है, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, रियली में यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, ये यहाँ पर मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? विकास दुबे नाम है हमारा। कहाँ से हो? मैं यूपी का। यूपी, विकास यूपी से? आपका मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टेट पास होते हैं, मुंबई भी और ये दिल्ली भी पास होता, एमपी तो दूर ही है मेरे ख्याल से, यूपी से पास है क्या राजेश? दिल्ली पास है, फिर भी मेरे को क्यों चला, एक रीज़न बताओ। सर यहाँ पर आपकी मैंने सारी वीडियो देखी थी और वीडियो के मुकाबले हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा था, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, और वाकई में जैसा मैंने सोचा वैसा पूरा यहाँ पे काम हुआ था, और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। यहाँ पर आप ये बताओ कि आपको जो हमने हार्डवेयर सिखाया, बेसिक होम प्रिंट की नॉलेज हो, ट्रेसिंग हो, सर्किट डायग्राम, क्या आपको रिंगर माइक के टिप्स उखड़ गए, पूरे दोनों उखड़ गए हैं, तो क्या सर्किट डायग्राम जुड़ोगे आपके? हेलो, बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं, वोल्टेज की जानकारी, ईएन सिग्नल और ईएन सिग्नल, लाइट के आपके जानकारी, जो जो सेक्शन होते हैं वो जानना जरूरी है, सिर्फ आई से निकालना लगाना सिखा देता तो क्या आप मोबाइल टेक्नीशियन बन जाते? नहीं बन पाए, की नॉलेज नहीं तो फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोई नॉलेज नहीं, ये बड़ी बात है। तो कैसा है फीडबैक रहा आपका? सर फीडबैक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा है। अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद मैं फीडबैक अपना दूंगा। चलो ठीक है, और एमएमसी में भी मुझे करना है। अच्छा, ऐसा फ्रेशर कैसा रहा ये इंस्टीट्यूट, ऐसा फ्रेशर बताओ? सर बहुत अच्छा है ये, क्योंकि अगर वो आए यहाँ पे सीख लिए, सीखने के बाद अगर 1-2 महीना बाद चाहे तो एमएमसी का कोर्स करने आ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे ऐसे अपडेट दे सकते हैं, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को बहुत सारे काम है। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहे चैनल से।